रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बजट में प्रदेश को मिले हिस्से की जानकारी और राहुल गांधी पर तल्ख टिप्पणी के साथ किसानों पर भी बात की। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा, हम यह कह कर थक गए कि एसएसपी रहेगा, यह बंद नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों में कहीं भी एमएसपी खत्म करने की बात नहीं कही गई थी। केंद्रीय मंत्री पुरी ने गणतंत्र दिवस पर लाल किले में हुए वाक्य पर भी बोले। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को जो हुआ उस पर सरकार कोई बात नहीं करना चाहती। सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की चर्चा हो चुकी है। सरकार किसानों की प्राथमिकता पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार चाहती है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए, इसलिए यह नया कृषि कानून लाया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो किसानों के जो सवाल है उसके बाद थोड़ा पर्सपेक्टिव दे दूं आपको। 2014 से लेके 2020 तक जो कृषि मंत्रालय का बजट है वो 6 गुना ज्यादा बड़ा है, 1,34,000 करोड़ हो गया कृषि मंत्रालय का। जो पीयूष जी का मंत्रालय है, जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो देखते हैं, उनका बजट देखिए। ये जो 3 कानून बना है, ये जो ओवरऑल पॉलिसी नीति है कि किसानों की जेब में ज्यादा पैसा जाना चाहिए, उसका हिस्सा। केंद्रीय विमानन, आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी रविवार को एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। पुरी का भाजपा नेताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पुरी ने पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें केंद्रीय बजट पर भी चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को इस बार के बजट में बड़ी बड़ी सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर हवाई पट्टी को लेकर विपक्ष पर भी हमला साधा है और कहा है कि विपक्ष बिलासपुर हवाई पट्टी का श्रेय ले रहा है, जबकि हवाई पट्टी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक थी। हमारी सरकार ने इस वादे को पूरा किया है। केंद्रीय मंत्री ने सभागार में मौजूद लोगों को बजट पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को और नई एयरलाइंस की सौगातें दी जाएगी, साथ ही साथ जल्द नए शहर पुणे और दिल्ली के साथ विदेशों के लिए भी यहां से एयरलाइंस उपलब्ध रहेगी। कोविड कॉल को छोड़कर 256वें दिन बिलासपुर में अखंड धरना आंदोलन संचालित है। अंतरदेशीय हवाई सेवा की स्थापना की मांग को लेकर आज बड़े हर्ष का विषय है कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी हरदीप पुरी जी ने बिलासपुर के लंबे समय के हक को उनको प्रदान किया है और बिलासपुर से अंतरदेशीय हवाई सेवा 1 मार्च से प्रारंभ करने की घोषणा की है।